नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट क्लॉक ऑपरेटर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद इस कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के 2 वाट रेजिस्टर और एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस रेजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस एलईडी बल्ब। उसके बाद ये 2 एलईडी हम सीरीज लाइन में ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ और इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 220 वोल्ट क्लॉक ऑपरेटर सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।